सारे उलमाओं को, मशाकिन को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम बुजुर्गों को और भाइयों को माह रमजान का मुबारकबाद पेश करता हूं। हर साल जैसा आज भी हम दावत इफ्तार का इंतजाम किए हैं, आप सब तमाम लोग यहां आके हमारे तावन बढ़ा दिए, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। तेलंगाना अभी ईश्वर साहब बता रहे थे, मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो चार बातें बोलूंगा। अल्लाह के फजल से आप सब लोगों से दुआ से तेलंगाना रियासत का तरक्की इस कदर है, 9 साल 10 साल पहले जो हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हमारे मुकाबले में भी नहीं है। ये मेरा नहीं है बयान, मरकजी सरकार हाल ही दौर में पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में बताए, पर कैपिटा इनकम जो होता है, आज हिंदुस्तान में सबसे आगे तेलंगाना राज्य है। हमारा पर कैपिटा इनकम आज 3,08,000 रुपये है। बड़े बड़े रियासत जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं। दूसरी एक बात, पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन, पहले जब तेलंगाना बना था 1050 हमारा पर कैपिटा था यूनिट्स, आज 2140 यूनिट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसमें भी हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे में है। इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, आईटी कैसा चल रहा है, आप तमाम जनाब जानते ही हैं। इसके साथ ही साथ जहां तक अकलियती बहबूदी का काम है, एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, सब आपके सामने है। हमारे असद भाई तमाम कायदीन मेरे से गुजारिश किए थे कि अनिसुल गुरबा का तामीर होना चाहिए, अब तैयार हो गया बहुत ही अच्छे अंदाज में, वो बिल्कुल अपने हमारे सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात है, टीआरएस अभी बीआरएस के हुकूमत आने से पहले यहां कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था 10 साल के लिए। पूरे कांग्रेस के हुकूमत के 10 साल के दौर में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया 1180 करोड़ रुपए, यानी कि 1200 समझिए, राउंड फिगर भी है, पूरे 10 सालों में। जब से टीआरएस सरकार अब बीआरएस बन गई है, जब से बीआरएस सरकार आई है, इन 10 साल में यानी कि 9 साल गुजर गए, 10वां साल का बजट पेश भी हुआ, कुल मिलाकर के देखे तो 12,000 करोड़ रुपए ये सरकार ने खर्च किया है। ये कोई भी देख सकता है, जो कि ऑडिटेड फिगर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, ये असेंबली में है, सेक्रेटरियट में, हर जगह असेंबली साइट में, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के साइट में ये फिगर देखने को मिलता है। तो आप इस एक ही बात से समझ सकते हैं कितना क्या हो रहा है। जहां तक देहाती हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, एक भी किसान आज उस हालत में नहीं है, सभी सुधर गए, जो जिंदगी को तलाशते हुए बाहर राज्यों में गए थे सभी वापस आ गए, सभी खुश है। और आज मैं फखर से कहना चाहता हूं आपके सामने, दान का जो खेत होता है हिंदुस्तान में, आज 94 लाख में, यानी कि 94 लाख एकड़ में खेती हुआ है धान का, सिर्फ तेलंगाना रियासत में 56,40,000 एकड़ यहां पे, यानी कि पूरा हिंदुस्तान में जितना है उससे भी ज्यादा हमारे पास अब हुआ है, कल्टीवेट हुआ है। ये भी हमारा एक निशाना देख सकते हैं। पीने का पानी का मसला खत्म हो गया, करंट का मसला खत्म हो गया, बेरोजगारी का मसला भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन देश पीछे जा रहा है, ये कहने के लिए मैं शर्म नहीं करूंगा। लेकिन मरकज में जो सरकार बैठी हुई है, वो अगर हमारे बराबर, तेलंगाना के बराबर काम करता तो हमारे जीएसडीपी कम से कम 3 से 4 लाख और बढ़ने थे, इसमें हमको मार पड़ा है। और देश आज एक अजीब दौर से गुजर रहा है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। मैं बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी दानिश्वरों से